गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का लेसन जो हमने रीड किया था जब सिनेमा बोलना सीखेगा इसका सार रीड करेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा श्री प्रदीप तिवारी द्वारा रचित यह महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को उजागर करते हुए मुख जोगूंगी। सिनेमा के स्वाक सिनेमा में विकसित होने की कहानी को बयां किया है। निबंध का सार इस प्रकार है। फिल्म आलम आरा के प्रदर्शन के साथ भारतीय सिनेमा ने अपनी चुप्पी को तोड़कर वाणी को ग्रहण किया था। 14 मार्च 1931 की तारीख ऐतिहासिक थी क्योंकि इस दिन भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा प्रदर्शित हुई थी। इससे पहले मूक फिल्में बनती थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा को बनाने वाले फिल्मकार थे आदेशिर एम ईरानी। उन्होंने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी। तभी से उनके मन में भी बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर इस फिल्म को पटकथा लिखी। उनके पास कोई संवाद लेखक गीतकार संगीतकार नहीं था, अतः नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ही लिए गए। गानों की धुनें उन्होंने स्वयं चुनी। संगीत में केवल 3 वाद्य तबला हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग किया गया। फिल्म के पहले पार्श्व गायक जो पीछे गाते हैं पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। फिल्म की शूटिंग रात में करनी पड़ती थी, अतः कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाया होता है प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। आर्देशियर की कंपनी ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 मुख और लगभग 100 बोलती फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फिटनेशी थी। इनमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी और नायक थे विट्ठल। वे इस दौर के सर्वाधिक परिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। जो उनको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आ रही थी, अतः उसकी जगह महबूब को नायक बनाया गया। इस पर विट्ठल ने मुकदमा कर दिया। वो नाराज हो गए थे ना, हमने लेसन में रीड किया था। उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। जो वकील थे वो थे जिन्ना। उनके कारण विट्ठल मुकदमा जीत गए और पहली बोलती फिल्म के नायक बने। मराठी और हिंदी फिल्मों में भी लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। आलम आरा ने सोराब मोदी पृथ्वीराज कपूर याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मजिस्ट्रेट सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इससे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इसके साथ ही अन्य विषयों तथा सामाजिक विषयों पर स्वाक अपनी फिल्म बननी शुरू हुई। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसका एक पात्र महात्मा गांधी जैसा था, अतः ब्रिटिश सरकार को चुभा। बोलती फिल्मों के संवाद बोलने के लिए पढ़े लिखे कलाकारों की आवश्यकता हुई। उस दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। माधुरी फिल्म की नायिका सुलोचना का हेयर स्टाइल उस दौर की स्त्रियों में खूब लोकप्रिय हुआ। आलम आरा को भारत के अलावा श्रीलंका बर्मा तथा पश्चिमी एशिया द्वारा भी पसंद किया गया। आदेशिर ईरानी की इस उपलब्धि के साथ ही भारतीय सिनेमा ने एक नया युग आरंभ हो गया था जब सिनेमा बोलना सीखा। इसके लेखक प्रदीप तिवारी जी। कठिन शब्दों के अर्थ।
संजीव जीते जागते, स्वाक बोलने वाली, सिनेमा चलचित्र, मुख गूंगी, शिखर चोटी, संवाद बातचीत, पार्श्व गायक पीछे से गाने वाले, डिस्क सीडी, कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाया हुआ, स्टार अभिनेता, स्टंटमैन करतब दिखाने वाले, प्राणिक प्राचीन, सार्वजनिक सारी जनता का या सरकारी बोलते ना, प्रतिबिंब छवि, केस सजा बाल सजाना, जनक पिता, उपलब्धि विशेष देन, वाद्य संगीत के यंत्र। अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर लिखा था, वे सभी संजीव है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, मतलब कि 78 व्यक्ति उसमें काम करते थे, उनको बोलते बातें करते देखो, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। इस पंक्ति से पता चलता है कि फिल्म में 78 चेहरे हैं, अर्थात फिल्म में 78 लोग काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आदर्श एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली, उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया, विचार व्यक्त कीजिए। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार आदर्श एम ईरानी को प्रेरणा 1929 में देखी एक हॉलीवुड की बोलती फिल्म शोबोट से मिली थी। हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी उन्होंने जिसका नाम था शोबोट, उससे प्रेरणा मिली थी। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने भी बोलती फिल्म बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पहली बोलती फिल्म आलम आरा के लिए पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाया। इसके आधार पर ही उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा तैयार की। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए नाटक के कई गाने जो के त्यों ले लिए। विट्ठल का चयन आलमारा के नायक के रूप में हुआ, लेकिन हटाया क्यों गया, विट्ठल निपुण नायक होने के लिए क्या किया, विचार कीजिए। आलमारा फिल्म के लिए नायक के रूप में विट्ठल का चयन हुआ था, वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेता थे, जो उनको काम करने के बदले जो पैसा मिलता है वो सबसे अधिक था उनका। लेकिन विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, विट्ठल को उर्दू नहीं बोलनी आती थी, इसलिए उनकी इस कमी के कारण उन्हें फिल्म से हटाकर महबूब को नायक बना दिया। उनको उर्दू नहीं बोलनी आती थी इसलिए उसको हटा दिया गया था। इससे विट्ठल नाराज हो गई, उन्होंने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा उस दौर के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। इस मुकदमे में विट्ठल जीत गए और इस प्रकार वे ही भारत की पहली स्वाक फिल्म के नायक बने, जो पहली बोलती फिल्म थी उसके नायक बने, हीरो बने। क्वेश्चन नंबर 4। पहली स्वाक फिल्म के निर्माता निर्देशक आदेश को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था, आदेश शिर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। पहली सुहाग फिल्म आलमारा के निर्माता निर्देशक आदेशिर को 1956 में फिल्म प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सुहाग फिल्मों का पिता कहा। पर आदर्श ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग पर लेखक ने यह टिप्पणी की कि निर्माता निर्देशक आदर्शिर बहुत अधिक विनम्र थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपने फेन नोटबुक में नोट करने हैं और इसके लेसन को अच्छे से रीड करना है।